हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। गाइज, आज मैं फिर से एक क्विक रिव्यू कर रही हूँ, सो उम्मीद करूँगी कि आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा, और अगर लगेगा तो प्लीज़ इसे कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए फटाफट से रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। गाइज, आज हम बात करेंगे ये बायोटिक की बायो आमंड सूदिंग एंड नरिशिंग आई क्रीम के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बायोटिक एक एडवांस्ड आयुर्वेदिक कंपनी है जो मोस्टली 100% बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट यूज़ करती है अपने ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स में। और एक जो इनका ये स्लोगन है कि इनके जो ये प्रोडक्ट हैं ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं है, इनके अंदर थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आप देख सकते हैं। और जो इसकी क्वांटिटी है गाइज, ये है 15 ग्राम्स, एंड जो इसका प्राइस है वो है 199 रुपीज़, ये आप देख सकते हैं। और गाइज, जो इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अंदर है जैफल ऑयल, इसके अंदर है आमंड ऑयल, और ये तीन चीज़ें और हैं जिनका मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप ये ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं जब आप इसको परचेज़ करेंगे। शेल्फ लाइफ इसकी 3 ईयर्स की है और 15 ग्राम्स की क्वांटिटी। पैकेजिंग आपके सामने है, आप देख सकते हो ये वाइट कलर का बेसिक टब फॉर्म में है, ऊपर ये ग्रीन कलर का इसमें कैप है। सो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलता है इस तरह का कैप। तो जब आप इस कैप को रिमूव करोगे तो आपको इस तरह से ये वाइट कलर की क्रीम मिलती है जो कि बहुत ही थिक है, जेल बेस तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी। मैं अगर आपको इसका स्वॉच दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी पतली नहीं है, क्वाइट थिक क्रीम है। तो ये आप देखोगे, आप जैसे जैसे इसको अप्लाई करोगे तो ये आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। सो ये आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। गाइज, अब अगर मैं इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूं तो फ्रेग्रेंस इसकी बिल्कुल भी माइल्ड नहीं है, और एग्जैक्टली वैसी फ्रेग्रेंस इसकी आती है जैसी अगर आपने कभी बाहर मेहंदी लगवाई है, ऑब्वियसली लगवाई ही होगी। तो जब कभी आपने बाहर मेहंदी लगवाई है तो मेहंदी लगाने से पहले जो वो ऑयल आपके हैंड्स पे लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही इसकी स्मेल है, विच इज़ पर्सनली आई डोंट लाइक, जो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। गाइज, अब बात करेंगे इसके रिव्यू पार्ट के बारे में। सो सबसे पहली चीज़, जो इसका नाम है कि ये है सूदिंग एंड नरिशिंग आई क्रीम, बट गाइज मैंने इसको यूज़ किया है लास्ट ईयर, मैंने यूज़ किया था, अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने ये बायोटिक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स लास्ट ईयर परचेज़ किए थे, तो इसमें से ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स के मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कुछ एक प्रोडक्ट्स बचते हैं, उनका मैं बहुत जल्दी रिव्यू दे दूँगी। सो गाइज़, फिलहाल आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो जब मैंने इसको यूज़ किया गाइज, आई कॉन्ट टेल यू, जब मैंने इसको फर्स्ट डे यूज़ किया था, लास्ट ईयर यूज़ किया था, अब तो मैंने उसके बाद इसको यूज़ नहीं किया। सो लास्ट ईयर जब मैंने इसको यूज़ किया, इसने मेरी आईज़ इतनी बुरी तरह से जला दी, आई कॉन्ट इवन एक्सप्लेन। मुझे 3 से 4 बार अपनी आँखें पानी से धोनी पड़ी, ठंडे पानी की छींटे मार मार के, तब जाके मेरी आँखें थोड़ी नॉर्मल हुई। चलो मुझे लगा कि मे बी शायद मेरी आई सेंसिटिव हैं तो मुझे अपने हस्बैंड को पूछना चाहिए, शायद उनकी आईज़ पे ये सूट कर जाए। तो मैंने ये उनको भी दी, उन्होंने भी ये ट्राई की, 1-2 बार उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मुझे ज़्यादा इरिटेशन नहीं लग रही है। लेकिन 3rd-4th डे एक दिन अचानक से बोलते यार मेरी आँखें जल रही हैं। तो मैंने कहा आपने क्या आई क्रीम लगाई थी? कहते हाँ। सो देन वी फाउंड कि ये आईज़ को बर्न करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट हैं या प्रोफेशनल हैं आई क्रीम लगाने में, कि आप इतनी परफेक्शनली या इतनी परफेक्टली आप आई क्रीम लगा सकते हैं कि वो बिल्कुल भी आईज़ के अंदर ना जाए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप मेरी तरह हैं, आँखें बार बार रब करने की जिसको आदत है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसकी तरफ ना जाएं। बट ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने तो आईज़ रब भी नहीं करी थी, तब भी एक इसकी क्या बोलते हो आप उसको, एक झार सी इसकी आती है, अजीब सी, जैसे अरोमा होता है या इसका, आई डोंट नो क्या चीज़ है, वो कुछ तो है जो इवेपोरेट होता है और आपकी आईज को जलाने लग जाता है। सो मुझे तो वो पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिकॉज मुझे आई क्रीम वो चाहिए जो मेरी आँखों को राहत दे, ठंडक दे, सूद करे, मेरे डार्क सर्कल्स को कम करे।
बट ये भाई साहब तो कुछ करते नहीं है. सो फिर भी अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पे इसको यूज़ कर सकते हो. मैं इसको यूज़ करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगी गाइज, बिल्कुल भी नहीं दूंगी. आई वोंट रिकमेंड दिस वन. गाइज आज के लिए इतना ही. उम्मीद करूंगी कि आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा है. अगर लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियोज़ में. तब तक अपना ध्यान रखें. बाय बाय.